दोस्तों अमिताभ बच्चन की फिल्म परवरिश और सनी देओल की फिल्म पाप की दुनिया की कहानी बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ कलाकार बदल गए हैं। पाप की दुनिया में प्राण ने सनी कपूर की भूमिका निभाई थी, सनी देओल ने विनोद खन्ना की भूमिका निभाई थी, जैकी पांडे ने अमिताभ बच्चन की और डैनी ने अमजद खान की भूमिका निभाई थी। वहीं नीतू सिंह का रोल नीलम कोठारी ने प्ले किया था। दोस्तों बता दें कि पाप की दुनिया परवरिश की ऑफिशियल रीमेक थी और सनी देओल इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म का रीमेक अगर फ्लॉप हो गई तो उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब पापा धर्मेंद्र ने समझाया तो सनी देओल यह फिल्म करने के लिए राजी हो गए और दोस्तों ये फिल्म सनी देओल के करियर की एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आपकी दुनिया को 2,40,00,000 के बजट में बनाया गया था लेकिन इसकी टोटल कमाई 9 करोड़ के आसपास हुई थी और ये फिल्म साल 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। गांव से हीरो बनने का ख्वाब लेकर निकले धर्मेंद्र अपने संघर्ष के दिनों में मुंबई के एक ड्रिलिंग फैक्ट्री में नौकरी के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किया करते थे। एक दिन धर्मेंद्र जब गांव से वापस लौट रहे थे तो भूख के मारे उन्हें बेहोशी आने लगी। संयोग से उस दिन धर्मेंद्र के पास ना तो पैसे थे और ना ही कुछ खाने का सामान। भूख से तड़पते हुए धर्मेंद्र जब कमरे पर पहुंचे तो उनकी नजर टेबल पर पड़े इसबगोल के पैकेट पर पड़ी और उन्होंने पूरा पैकेट एक गिलास पानी में घोलकर घटक लिया। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई लेकिन चंद मिनटों के बाद इसबगोल ने अपना असर दिखाया और धर्मेंद्र को दस्त लग गई। इसके बाद रूम पार्टनर ने धर्मेंद्र को अस्पताल पहुंचाया और जब डॉक्टर को पूरा वाकिया पता चला तो उसने हंसते हुए कहा कि अब उन्हें दवा की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों फिल्मों में मेल एक्टर्स के बॉडी दिखाने का ट्रेंड भले ही कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है लेकिन साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म धर्मवीर में अपनी बॉडी दिखाकर धर्मेंद्र पाजी पूरी दुनिया में फेमस हुए थे। दोस्तों इस फिल्म के आने के बाद लोग धर्मेंद्र को आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे थे। दोस्तों बता दें कि सोवियत यूनियन में इस फिल्म की 3 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र की फिजिक काफी स्ट्रांग और वेल मेंटेन्ड थी जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड आयरन मैन का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों इस फिल्म की बेहद ड्रामेटिक थी और इसके गाने भी उस साल के चार्ट बस्टर थे जिसकी वजह से ये फिल्म 50 से ज्यादा हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही थी। दोस्तों IMDb की रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र और जितेंद्र की ये फिल्म 70 के दशक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों धर्मेंद्र ने अपने जमाने में उस दौर की लगभग हर मशहूर अभिनेत्री के साथ काम किया है। अपने दौर में उनकी जोड़ी नूतन वहीदा रहमान, सायरा बानो, नंदा, आशा पारेख, हेमा मालिनी, राखी और रेखा के साथ काफी पसंद की जाती थी। अपनी जवानी में धर्मेंद्र ने दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी का खिताब भी जीता था लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में धर्मेंद्र सुरैया के डाई हार्ड फैन हुआ करते थे। उन्हें देखने के लिए वह मीलों पैदल चलकर जाया करते। दोस्तों धर्मेंद्र पाजी को सुरैया इतनी पसंद थी कि वह उनकी फिल्म दिल्लगी को 40 से ज्यादा बार देख चुके हैं और इसी फिल्म को देखने के लिए वह थिएटर तक पैदल जाया करते थे। दोस्तों सुरैया की जोड़ी को उस दौर में लोग देवानंद के साथ काफी पसंद करते थे लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करने वाले धर्मेंद्र के लिए असल में ड्रीम गर्ल सुरैया ही थी।